गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबधे आदम्बुजायते नमः। नाम भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानु गौरायते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दवनलसम संसार दहने दग्ध जीवकुल उधर कारणे करुणा वारिद कृपा वारिदने बंदिसे गुरु चरण कमल नृत गीत वाद श्रीहरि कीर्तने रहे न मगन महामत मने रोमांच कंपासु हाय गौर प्रेमे बंदिसे गुरु चरण कमल सदारत जिनी विग्रह सेवने श्रृंगारदियार मंदिर मार्जने करे नने जुक्त अनुगत जने बंदी भई गुरु चरण कमल चर्बुशल पेयर समय प्रसादन कृष्ण अति स्वादु है भक्तास्वादने निज तृप्त रहे बंदिसे गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लोभ चित गिनी हन प्रतीक्षणी बंदिसे गुरु चरण कमल ब्रज युग द्वंद रति संवर्धनी जुक्ति करे सखी सनि वृंदावनी अति दक्षता है प्रियतम गनी बंदिसे गुरु चरण कमल शास्त्रे गाए श्रीहरि स्वरूप भक्त गण भावे किंतु जिनी प्रभु प्रियतम रूप बंदिसे गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाई जार प्रसाद अन्य गति नई त्रिसंध कीर्तिर सब ध्यानी भाई बंदिसे गुरु चरण कमल गुरुदेवाक्षत अति जतन करी ब्राह्मूर्ति परोच करी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए से वसुते भी काल बंदिसे गुरु चरण कमल जय गुरु देवा जय गुरु देवा गुरु देवा जय गुरु देवा जय
वृंदावनवासी जगत वैष्णवे रगाना प्रथमे वंदना करी सवर चलवाति जत अप्रभुदान भूमि ते पाया बंद तवर चरा दीपवासी जत महाप्रभु तवर चरण महाप्रभु भक्त जत कौल देशर चरण बंद करिया प्रणति जग से जग से वर चरण प्रभु जवर चरण बंद करी भात ब्रह्मांड करी करि जनी पोराणी गुण जय देवासो महाप्रभु गणि सपन मोई पाबु रैनो आवंदना करी समबोधि दोषे मोहि सम मत करी तथापि मुख राय मन I'm
अनंत त्रिनाम कारी भगति में संजीत धरो कोई क्वेश्चन था काले कुकुर का दाना यदि
एक साथ में गाल दुर्लभ मानव जन्म लविया संसारे कृष्ण न भरिनो दुख कहिव काहे संसार संसार तहि निजहि रखा Yeah.
कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव भवंतं मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव जगमाधिराते वर्षति नतवन सग्रमरी सम्मतवाचुक तदत्रिपाद्भुत कृष्णदेव भवन्तं वन्दे भक्तियुगन्तति यद्यपि माधव त्वयि मम किल माति अपरमेश्वर तदपि तवाधिक दुर्गत घटन विधाते कृष्णदेव कलितुतरकमार
अनिवसतु नीतमृहामृतनिन्दिनि विन्दन मधुरिम सार राधे जय 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 राधे जय जय माधव गैते गोकुल चारुणी मंडल मोहिते गोकुल Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare ओम ज्ञानी तुम कितने समय तक कथा सुनोगे? 10 मिनट सुन लोगे? कितने बजे घर में जाना है? हाँ 7 बजे रह सकते हो? 7 बजे आधा घंटा रह जाओगे? ठीक है 10-15 मिनट सुना देता हूँ। ठीक अब ओम ज्ञानी तुम राम धस देखो तुम लोग सुनकर सुनना रोज रोज इसको हम पूछेंगे और ये लोग चले जाएंगे फिर अलग बैठेंगे फिर कौन सा श्लोक लिखना क्या लिखना उसको बैठ कर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ओम ज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देवै प्रिया अयि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि गौर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। पहले हम लोग ने जो श्रवण किया था किसको याद है? कहाँ तक मैंने
कहाँ पर मैंने कथा को विश्राम दिया था, याद है कुछ? पहले जब भागवत कहाँ पर मैंने ये किया था, विश्राम दिया था? तुम लोग कुछ याद नहीं रखता, हरे कृष्ण। इसलिए हाँ, पहला बार मैंने जहाँ समाप्त की थी, समाप्ति की थी श्री सुत गोस्वामी भगवान की 24 अवतारों का उन्होंने नाम लिया है। कितने अवतारों का? 24 अवतारों। क्या क्या है? हाँ देखो, अगर याद नहीं रखोगे फिर क्या, ये क्या करोगे? तो पूछो तो कुछ नहीं। अरे वो कहाँ गया बड़ा पंडित, कहाँ गया? हाँ हाँ कहाँ गया? बैठो जनार्दन, तुम बैठो, वो आ जाएगा। इसलिए हाँ कहते भगवान का जो पहला अवतार है कौन सा अवतार है? चतुसेन अवतार। हाँ चतुसेन अवतार। दूसरा अवतार कौन? नारद। नारद अवतार। दूसरा अवतार है भगवान का बराह अवतार है। देखो ये क्रम से लिख लो, पहला अवतार चतुसेन है और दूसरा अवतार है भगवान की बराहदेव अवतार है। और मैंने सारी कथा आपको धीरे धीरे सुनाया था, ये चतुसेन कौन है, हैं ये ब्रह्मा का, ये मानस पुत्र कैसे चतुसेन, इनका जीवन क्या है? बोले कृष्ण कथा मात्र के जीवन है इनका जीवन, जैसे हमारे जीवन क्या है, रोटी चावल सब्जी, ये हमारे जीवन है। लेकिन इनका जीवन क्या है? बोले कृष्ण कथा ही जिनका जीवन है, हैं। इसलिए अगर एक दिन अगर कथा नहीं सुने उनको लगता है जैसे आज हमने कुछ ही नहीं किया है। अगर हमारे जीवन में जब ऐसे हो जाए ना, समझना हमारी भक्ति धीरे 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 बढ़ रही है। जैसे भोजन के बगैर रह नहीं सकते हैं, उसी तरह जब ऐसे स्वभाव हो जाए भगवान की कथा के बगैर भी हम रह नहीं सकते हैं। पर समझनी चाहिए हमारी भक्ति धीरे 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 बढ़ रही है। इसलिए ये चार भाई है, जैसे पद्म पुराण में कथा है ना, ये चतुसेन ने ही उन्होंने कथा सुनाई। किसको? ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी को ये चतुसेन ने ही कथा सुनाए। हाँ इसलिए नारद जी भी है, इसलिए उन्होंने जब कोई कथा सुनने वाले हो तो सुना देते, अगर कोई सुनने वाला नहीं हो एक भाई तो व्यास गद्दी पर बैठ जाएगा और तीनों भाई बैठ करके कथा सुनना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ गया? वो क्या कर रहे हैं हमारे जनार्दन? क्या कर रहा है? देखो देख रहा, इसलिए ये कहते तीनों भाई सुनते हैं, कहते इनका कथा मात्र के जीवन। दूसरा अवतार क्या था? बराहदेव। बराहदेव क्यों प्राकट हुए? पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। हाँ इसलिए पृथ्वी जब रसातल में चली गई थी, जब मनु महाराज सृष्टि करना चाह रहे थे, बोले सृष्टि करेंगे तो कहाँ करेंगे, कुछ तो है ही नहीं, तब ब्रह्मा जी ने छींके, जब छींके उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ और देखते 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 उसने विशाल रूप धारण किया है। फिर उन्होंने ये पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया, कौन? श्री बराहदेव। इसलिए उसमें बताए ये हिरण्यकश्यप क्यों सृष्टि हुआ, पहले मैंने बताया था, कहते शाम का समय में चार काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? क्या क्या बोलो, किसको याद है? तो भोजन, एक पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ और तीन हो गया, और हाँ इसलिए कहते उस समय पति पत्नी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए उसी समय श्री कश्यप ऋषि से को साथ में हैं, कहते दीति ने मिली तो शाम का समय था, उसने जोर जबरदस्ती मिले, इसलिए उसकी गर्भ में कौन जन्म हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, वो दो दैत्य जन्म हुए हैं। इसलिए कहते अब कि कभी कभी देखना बच्चा तो कभी कभी बहुत आज्ञाकारी होता है, लेकिन कभी कभी देखना बच्चा एकदम बिना आज्ञाकारी होता है, बात नहीं सुनता है, हैं? एक बोले तो दूसरा करता है। बोले क्यों? बोले जिस समय वो गर्भ में आया है, जिस दिन, उस समय अगर अच्छा हो, इसलिए नियम है जिस दिन पत्नी गर्भधारण करेगी, अगर हमने शास्त्र के अनुरूप समय के अनुरूप अगर उसी गर्भ में बच्चा आएगा, वो बच्चा बड़ी गुणवान होगा, पिता माता के आज्ञा पालन करेगा, सवेरे उठ करके पिता माता का चरण छुएगा, भगवान की भक्त बनेगा, हैं? इसलिए ये हिरण्यकश्यप इसीलिए हुए, शंकर जी शाम का समय में भूत पिशाचों को लेकर घूमते हैं, एकदम शाम का समय में।
उसी समय दीति ने बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए उसने शिशा को सामने खड़ी हुई, एक तो बड़ी सुंदरी राजकुमारी थी और बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार की, तो अपना रूप को देख करके काम में मुग्ध हो गई है। फिर जा करके कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, कश्यप ने मना की, नहीं ये समय समय नहीं, ये बात समय भूत पिशाच का समय है। लेकिन उसने जोर जबरदस्ती मिली तो उसको गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म हुए। जब उन्होंने ये बात को बताए, बाद में दुखी हुई, जब दुखी हुई तो उसने बताया, देखो तुमने की तो गलती, लेकिन तुमने माफी मांगे हो इसलिए तुम्हारी बेटा तो राक्षस होएंगे, लेकिन तुम्हारे जो नाती पोता होएंगे ना, नाती ना क्या, बेटा का जो बेटा होगा ना वो बड़ा धर्मवान होगा, हाँ वो पोता जो होगा वो बड़ा धार्मिक ही बनेगा, इसलिए हिरण्यकश्यप का बेटा कौन बने, प्रह्लाद जन्म है वगैरह का है, और भगवान नरसिंह देव का परम भक्त बने। एक भगवान की कहते दूसरा अवतार, तीसरा अवतार क्या, नारद जी, श्री नारद जी भगवान की तीसरा अवतार। अब सुन नारद जी का कथा, मैंने आपको बहुत मैंने कथा सुनाई, इनका नाम है नारद, मतलब जो कभी रद नहीं होते हैं, हर जगह में सक्सेसफुल रहते हैं। नर मतलब होता है रस, द मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब होता है ज्ञान, जो सबको ज्ञान बांटते हैं, नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब होता है खंडयति, जो सभी का आसक्ति को काट देते हैं, संसार का बंधन का आसक्ति जो खंडन कर देते, ये नारद है। जो भगवान की जो चौथा अवतार, देखो जब कथा बोलोगे ना इस अवतार का नाम बताना पड़ता है, भगवान की ये अवतार हुए हैं। चौथा अवतार क्या हुआ लिखे ना, हाँ ना, देखो ये लिखा है, तू लिखा है नहीं तू, तब बोलते बोलते समय तो कुछ नहीं, मतलब जहाँ था लिख करके फेंक देते उसको फिर कागज में, इसलिए कहते जो चौथा अवतार है भगवान की कौन हुए हैं, बोले से नर नारायण ऋषि हुए हैं। क्वार 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 जाओ सब, हाँ हाँ ऐसे आप जीवा पर के नाते ना ऐसे मेरे और अन्य समय का लाभ नहीं आता, हाँ जाओ इसलिए कहते जो भगवान की जो चौथा अवतार हुआ है, कहते ये भगवान के नर नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। मैं इनकी बहुत सारी कथा सुनाई थी, कोई बता सकते हो उनका कोई एक कथा, ये नर नारायण ऋषि ये तपस्या क्यों कर रहे, बद्रीनाथ में नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे, क्यों तपस्या कर रहे, तपस्या तो जीव को करनी चाहिए, भगवान क्यों तपस्या कर रहे, बोलो बोलो। क्योंकि जब ये तपस्या कर रहे तो एक बार नारद जी गए श्री भगवान के पास कि आप तो मतलब शयन करते रहते हो, दुनिया मतलब दुखी है, और फिर उसके बाद तब नारद जी के कहने पर इन्होंने जो है जब ये बोले कि नारद मैं नर नारायण अवतार लूंगा ताकि मैं भजन करूंगा तो मुझको देख करके लोग प्रेरित होंगे, तब वो भी भजन करेंगे, वो भी साधन करेंगे, इसलिए भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। नारद जी इसी दुनिया में आकर के सबको देखा दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई बीवी से, कोई बच्चों से, कोई नाती से, कोई सास से, कोई ससुर से, कोई ननद से, सब दुखी 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 देखा, इसलिए दुखी देख कर गए वैकुंठ में, देखा भगवान अनंत नाग पर शयन किए हुए हैं, माँ की चरण सेवा सेवा कर रही हैं और भगवान मीठी मीठी मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रभु जी आप तो दुनिया का मालिक आप ही हो, श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके जो नीचे व्यक्ति वही सीखता है, पिता माता को देख कर तो बच्चे सीखते हैं ना, आप जो करेंगे तो बच्चे वही करेंगे। बोले तू बताओ स्पष्ट बताओ क्या बोलना चाहते हो, बोले आप तो अपना लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े हुए, लोग देखेंगे जब भगवान अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी पड़े रहेंगे हैं। जब बोले बोले बताओ क्या बोलना चाहते हो, बोले प्रभु जब तक ये जीव तुम्हारी भजन नहीं करे, कहते हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के जगत में किसी को सुख मिला ही नहीं। इसलिए अगर आप भी भजन करोगे ना आपको देख करके दूसरा भी भजन करेगा। भगवान बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ भजन करने के लिए, बोले कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए, देखो इस चीज़ को लिख करके रखो, सुनना नहीं इसको लिख करके रखो, मैं फिर मैं टेस्ट लूँगा कौन कौन सुना कि नहीं, पहले बोल दिया अभी दो बार बोल रहा हूँ तब भी बोल नहीं पाते हो, खाली सुन तो इधर सुन कर इधर निकाल रहे हो।
इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने देखो जब कथा बोलोगे ना, जब कथा रुचिकर कथा है, लोग इस कहानी को अच्छे तरह से सुनते हैं, तब तो चीज में लोग का इतना याद नहीं रहता है, लेकिन जो कहानी लोगों को देखकर समझाओ फिर लोगों का मन लग जाती है, कथा में लोगों का मन लगती है। इसलिए उन्होंने बोले कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए, ढूंढते ढूंढते ढूंढ रहे थे कोई बढ़िया जगह हो उनको, जब बद्रीनाथ में गए, गए हो बद्रीनाथ? कौन बद्रीनाथ है? बाबा गए, आप सबको एक बार ले जाएंगे, एक बार सबको ले जाएंगे, बद्रीनाथ ले जाएंगे हैं। इसलिए इस बार तो कथा होने का था बद्रीनाथ में, लेकिन एक कोरोना ने गड़बड़ी कर दिया है, इसलिए बद्रीनाथ में, यहाँ पर ब्रज में भी जो बद्रीनाथ आप गए थे ना, आप गए नहीं गए ब्रज में भी बद्रीनाथ? आप लोग गए ब्रज का बद्रीनाथ? हाँ, यहाँ पर भी बड़े सुंदर है, वहाँ पर देव सरोवर ही है, यहाँ पर देवता अभी भी आकर के जहाँ पर स्नान करते हैं देवता लोग, जहाँ पर वहाँ देव सरोवर है, वहाँ सारे तीर्थ ब्रज में कृष्ण ने अपना पिता माता को सारे तीर्थ करवाया था, यहाँ पर सारे तीर्थ है ब्रज मंडल में। इसलिए जो बद्रीनाथ में गए होंगे, कितना सुंदर नदी कलकल नाद से बह रही है, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान। कहते ना विदेश घूमने के लिए चलो, विदेश में कुछ नहीं है, हमारे भारत में इतने सुंदर सुंदर स्थान हैं, विदेश में तो गया मैं, भारत के बराबर अगर चार धाम में कोई जाए ना, बोले कि सारा दुनिया फीका है, इतना सुंदर चार धाम है, हैं, इतने सुंदर पहाड़, इतने सुंदर लगता है जैसे आकाश जैसे पूरा छू रहा है। आप कभी जाओगे यमुनोत्री जाओगे, आपका मेघ मेघ स्पर्श करते करते जाओगे, मेघ जहाँ पर हसमय मेघ वहाँ पर बड़ा सुंदर स्थान है। इसलिए उन्होंने गए वहाँ पर नर नारायण पर्वत, अभी नर नारायण पर्वत बड़ा सुंदर है, वहाँ पर भीम पुल सरस्वती नदी कैसे प्रवाहित हो रहे हैं, क्या सुंदर मनोरम स्थान है। इसलिए भगवान को बहुत अच्छा लगा, बोले यहीं पर बैठ करके तपस्या करता हूँ, लेकिन पहले वो था शंकर जी का स्थान, बोले शंकर जी को यहाँ से भगाना पड़ेगा, लेकिन शंकर जी ऐसे नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? तब उनने बालक बनकर के रोने लग गए, जब पार्वती आ रही थी उनने देखा, ये पहले शंकर जी पहले आ रहे थे, बालकों को देखा, देख करके बोले समझ गए कि दाल में कुछ काला है, ये बालक कहाँ से आएगा। फिर पीछे पीछे माँ पार्वती, माँ का हृदय तो बात्सल है, अगर किसी छोटे बच्चे को पड़े हुए देखेंगे, फिर मैया तो गोद में उठा ली, इतने सुंदर बच्चा भगवान स्वयं थे ना। शंकर जी से पूछे आपको दिखाई नहीं? बोले पार्वती दाल में कुछ काली है। बोले इतना छोटा बच्चा दाल में काली है? तो उन्होंने उठा लिया, बोले इसको मैं घर में सुला करके आता हूँ इतना ठंडा में। जब उन्होंने सुला करके दोनों वहाँ पर तप्त कुंड है, हैं, तप्त कुंड है, अद्भुत ठाकुर जी का देखो, इतने ठंडा में जहाँ बर्फ पड़ता है, लेकिन देखो वहाँ तप्त कुंड है, ठाकुर जी पहले ही बना करके रखे, जो लाएंगे जाएंगे वहाँ स्नान करेंगे। अब लोग यमुनोत्री नहीं गए ना, नहीं गए हो, क्या पहाड़ के ऊपर में यमुनोत्री है, हाँ, पानी ऐसे ठंडा है जो सोच नहीं सकते, सख्त ये बर्फ पिघल करके ये प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी आश्चर्य है, ठाकुर जी वहाँ पर भी तप्त कुंड है, हाँ, लोग वहाँ पर चावल ले जाते हैं कपड़े में बांध करके उसको डुबो देते हैं, वही प्रसाद है वहीं के पोटली में बांध करके, और वहाँ गर्म ठंडा पानी मिला करके वहीं पर लोग स्नान करते हैं, गर्म ठंडा पानी दोनों मिलता है तो फिर स्नान कर सकते हो, इसलिए अद्भुत है। जब उन्होंने स्नान करके वापस आए ना, वो तो ठाकुर जी थे, वो अंदर से कुंडी बंद कर दिए, शंकर जी खटखटाए दरवाजा खोले ही नहीं, तब शंकर जी पार्वती को बोले तुमने देख लिया, पहले तेरे को मना कर रहा था तुमने मानी नहीं, तुमने घर घर में सुलाए तो तुम्हारी घर ही दखल कर लिया है, तो ध्यान लगाई ये कौन है, देखा है तो मेरे प्रभु जी, बोले प्रभु यहीं पर रहो, मैं तो जा रहा, मैं यहाँ से जा रहा। इसलिए उन्होंने पहले बद्रीनाथ में शंकर पार्वती रहते थे, वहाँ से वो चले गए केदारनाथ चले गए शंकर जी। इसलिए भगवान फिर तपस्या क्यों, वहीं पर भगवान ने तपस्या की, बोले तपस्या क्यों की, एक तो लोगों को शिक्षा देने के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए, जैसे अभी चातुर्मास कर रहे थे, परवल नहीं खा रहे थे, घिया बैगन सरसों ये सब टमाटर नहीं खा रहे थे, कर रहे थे कि नहीं एक महीना, हाँ, कभी ये तपस्या है, जैसे एकादशी व्रत रखते हो, हैं, कभी ये कलयुग के लिए ये तपस्या है। इसलिए भगवान जीवों को तपस्या करनी चाहिए, तपस्या मतलब शरीर को तपाना, शरीर को कष्ट देना, तपाना शरीर को, इसलिए भगवान स्वयं
तपस्या करने की शिक्षा दी और दूसरा आशीर्वाद दिए, अगर कष्ट करके कोई बद्रीनाथ जाए, ठाकुर जी को दर्शन करे, कहते भगवान जो तपस्या कर रहे हैं वो तपस्या करने का केवल उनको दर्शन मात्र से ही आपको तपस्या का जो छठवां भाग का जो फल है दर्शन मात्र से ही आपको मिलेगा, केवल दर्शन मात्र से। अभी तो बहुत सरल हो गया, कोई कष्ट की जरूरत नहीं, गाड़ी में जाओ उतर दर्शन करो। पहले ऐसे नहीं था, पहले लोग जब चार धाम जाते थे ना बोल देते थे हमारे श्राद्ध कर लेना, हम यहाँ वापस और नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो गाड़ी का रोड हो गया। पहले था पेड़ को ऐसे पकड़ पकड़ करके हैं रास्ता में पकड़ पकड़ करके चलते थे, बिहार रास्ता होता था, अभी तो गाड़ी सीधा चली जाती है, महीना महीना में जा कर कहीं पहुँचते थे, और रास्ता में कभी कभी खाना पीना नहीं। अभी तो हर जगह पर बढ़िया बढ़िया स्थान हो गया, बढ़िया पराठा खाओ, सब्जी चावल बढ़िया चकाचक, लेकिन पहले ऐसे था नहीं हैं। लोग कष्ट करके जाते थे रास्ता में, बस गिर कर मर जाते थे, इसलिए बोल देते थे हमारी श्राद्ध क्रिया कर लेना। अभी तो वो स्थान टूरिस्ट स्थान हो गया है। इसलिए कहती है नर नारायण ऋषि भगवान की ये चौथा अवतार। उसके बाद में भगवान कपिल, फिर तो कथा आएगी, भगवान कपिल देव की कथा आएगी भागवत में, फिर दत्तात्रेय की कथा आएगी, दत्तात्रेय हैं, फिर यज्ञ पुरुष है, फिर ऋषभ देव है, फिर पृथु, सब नाम लिख लो, ऋषभ देव पृथु कथा है कपिल भगवान की, इसलिए पृथु मत्स्य है, इस सारी कथा आएगी आगे भगवान की। कुर्म अवतार है लिखा ऋषभ पृथु अवतार, उसके बाद में मत्स्य अवतार, उसके बाद में कुर्म अवतार, उसके बाद में धन्वंतरी अवतार, उसके बाद में मोहिनी, उसके बाद में नृसिंह, भगवान वामन, फिर परशुराम। लिखो एक एक करके, लिख रहे हो, लिखा कि नहीं, क्या क्या छूट गया, बोलो। कपिल के बाद दत्तात्रेय, उसके बाद यज्ञ पुरुष, दत्तात्रेय यज्ञ पुरुष, ऋषभ देव भगवान, उसके बाद में फिर वेदव्यास, फिर राम, उसके बाद में फिर कृष्णा, बुद्धा, बुद्धा, उसके बाद में कल्कि। हाँ, भगवान की ये 24 अवतार उन्होंने वर्णन करवाया। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, किसको याद है? हाँ, मुझे याद है। बोलो क्या कहा था? कहा था जब उन्होंने ये बार नाम सारे 24 नाम लेते हुए फिर आखिर में उन्होंने कह दिया कि वो प्रूव करा कि इन जितने मैंने नाम लिए हैं इसमें सिर्फ किस नाम ही भगवान स्वयं, ये तुम लोग ने कोई कुछ याद नहीं रखा है लगता है कि अब तुम लोग कोई पढ़ते नहीं सुनते नहीं थे ध्यान से, हैं कुछ तुम लोग कुछ भी याद नहीं रखे, बेकार हो। इसलिए देखो ऐसे थोड़ी कथा सुनाओगे तुम लोग, हैं उल्टा पुल्टा, ये सब चीज़ को याद रखनी चाहिए। इसलिए इसलिए मैं बोलता हूँ तुम लोग ध्यान से सुनो सुनो और इसको लिखो नोट करो। इसलिए देखो इन बच्चों को भागवत कथा कैसे करना इनको सिखा रहा हूँ, इनको सिखा रहा हूँ। इसलिए हाँ देखो मैंने जब उन्होंने ये 24 अवतार का नाम लिया, इस बार अच्छे तरह से लिख कर रखो, जब उन्होंने 24 अवतार का नाम लिया उसको बीच में उन्होंने कृष्ण का नाम भी ले लिया, लेकिन जब कृष्ण नाम को ले लिया सुतो गोस्वामी कृष्ण नाम को लेकर के डर गए, बोले मैंने गलती कर दिया। बोले क्यों गलती कर दी? बोले अवतार का नाम ले रहा था उसका अंदर में कृष्ण का नाम भी बोल दिया, ये भी एक अवतार है लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। बोले फिर कृष्ण कौन है? कृष्ण अवतारी। ज्यादा बोलो मत, सुनो और उसको लिखो, ज्यादा बोलो मत, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने बोल दिया ये गलती किया है, कृष्ण को भी अवतार बोला लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। बोले कृष्ण कौन है? बोले ये अवतारी। अवतारी मतलब होता है जिनसे
ये सारे अवतार आते हैं, ये सारे अवतार जिनसे आते हैं, इसलिए कृष्णा ये पूर्ण ब्रह्म हैं। फिर उन्होंने क्या किया, गलती जब कर दिया, फिर कृष्ण के लिए उन्होंने एक अलग श्लोक फिर बनाया हैं, वो है एतेचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यंती जुगे जुगे। फिर उन्होंने अलग उन्होंने ये श्लोक बनाया। देखो इसको बाद में और कुछ बच्चियों को मैं कोशिश करता हूँ बुलाने के लिए, जब आएंगे ना फिर तुम लोग उनको सिखाना, तुम लोग उनको, अभी तुमको मैं सिखा रहा हूँ, तुम लोग उनको फिर धीरे धीरे उनको सिखाना, ठीक है? लिखो जो ठीक कर, नहीं सब कथा को नोट कर रखा था, इसलिए फिर इसलिए उन्होंने बोले कृष्ण कौन है, फिर कृष्णस्तु भगवान स्व, मैंने उनके लिए क्या क्या बताया था, कौन बोलेगा याद कर बोलो, मैंने उनके लिए क्या क्या बताया, कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म है उसके लिए क्यों पूर्ण ब्रह्म, हम क्या क्या उदाहरण दिया था, बोलो बोलो क्या क्या क्यों, आज पता चलेगा। हाँ पर इतना ही हो गया, और क्या क्या बोला था, और क्या क्या तुम लोगों को कुछ लिखा है, नहीं थका कहाँ है, इसको क्या बोलो, कापी भी रखने के लिए लिख रहे हो। हरे कृष्ण, इसलिए ललित लिख रहे हो। देखो इसमें तो यहाँ पर श्री बोले जो कृष्ण कौन है, बोले ये स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान, कहते स्वयं भगवान का मतलब क्या होता है, हैं? तब कहते स्वयं शब्द किसको कहते हैं, स्वयं शब्द बोले अनान्यपेक्षम जत रूपम, इसको लिख लो, अनान्यपेक्षम जत रूपम स्वयं रूप समुचते, लिखा अनान्यपेक्षम जत रूपम, कहते स्वयं रूप समुचते, स्वयं कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म बताइए, स्वयं भगवान। तब मैंने उदाहरण क्या दिया था, जैसे एक अंक, जैसे अंक एक, अब देखना एक जो अंक है ना वो किसी का मदद नहीं लेता है, वो पूर्ण उच्चारण होता है एक जो, एक जो, लेकिन जब हम दो बोलते हैं ना फिर एक एक मिल करके फिर दो होता है, ये एक तो क्या घूम रहे किसी तरह से, बैठो काफी लिख रहेगा, बड़ा पंडित हो गए, कल तुमको खड़े करूंगा। अनन्यपेक्षम जत रूपम स्वयं रूपम सौचते, इसलिए जैसे क्या उदाहरण, जैसे दो बोला, दो क्या एक एक मिलकर के दो होता है, तू भी लिखना बच्चा, हाँ लिखोगे तो कुछ सीखोगे, तुम दोनों बच्चे कापी लेकर गाना, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत सीखोगे ना भविष्य में दूसरों को भी समझा सकते हो भगवान के नाम, ठीक है? अभी तुम लोग को बच्चे हो, बहुत जल्दी ये चीज़ को कैच करोगे, ठीक है? हाँ इसलिए कहते तीन जब बोलोगे ना एक 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 मिलकर तीन होगा, नहीं तो दो एक मिलकर तीन होगा, जब चार ही बोलोगे वो पूर्ण नहीं है, वो दो दो मिलकर चार ही होगा, नहीं तो तीन एक एक मिलकर चार ही होगा, लेकिन जो एक अक्षर बोलोगे एक वो किसी का मदद नहीं लेता है, केवल वो पूर्ण है एक एक संख्या। कहते उसी तरह जो कृष्ण है वो बिना किसी के मदद लिए हुए वो पूर्ण है, किसी का मदद नहीं लेते, इसलिए कृष्ण को स्वयं बताया गया। इसलिए जो स्वयं शब्द भागवत में कहते हैं तीन बार भागवत में, जैसे किसी बात को हम कहते ना त्रिसत्य, तीन बार जब किसी बात को बोल देते हैं पक्का हो जाता है, किसी बात को कहते त्रिसत्य करके हम कह रहे हैं, इसलिए ये जो स्वयं शब्द भागवत में कहते ये तीन बार आया है। कबले कहाँ कहाँ पर आया है, बोले किसने किसने बोला है, पहले तो ये श्लोक है, हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान, तुम ही भागवत कथा बोलना, देखो एक बिहारी दो बिहारी मिलकर के प्रचार करो, इसलिए कहते स्वयं शब्द यहाँ पर एक स्वयं शब्द आया है, ये स्वयं बोले, और कहाँ पर बोले श्री उद्धव जी जब विदुर को साथ में मिले, हैं विदुर को साथ में जब मिले तब उन्होंने उद्धव और विदुर संवाद में वहाँ पर उद्धव भी कहते हैं स्वयं तो असामात्य त्रय त्रिधिश्य, ये श्लोक है, स्वयं तो असामात्य त्रय त्रिधिश्य, कहते वहाँ पर भी कहते हैं कृष्ण कौन है, तीन ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ये देवता हैं, हैं इसलिए समस्त राज्य, उस श्लोक है इसको याद करना, मैं तुमको नोट करा दूंगा,
स्वयं तो ये एक है, दो हो गया। और तीसरा श्लोक कहाँ है, जब कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, देवकी के गर्भ में आए उसी समय में सारे 33 करोड़ देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र एक साथ में भगवान की उन्होंने गर्भस्तुति की। जो गर्भस्तुति करते समय भगवान स्वयं हरि की लव, वहाँ पर एक श्लोक है, हैं यहाँ पर भी कहते हैं जो हरि है ये स्वयं कैसे परम ब्रह्म जो देवकी गर्भ में जो कृष्ण आए हैं, वो श्लोक तुमको बाद में ढूंढ करके याद करा दूंगा। ठीक, हरि भगवान स्वयं के लिए वहाँ पर भी ये स्वयं शब्द आता है, इसलिए कृष्ण कौन है ये पूर्ण इत्यच अंश कला। भले जो मैंने मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह बताए ये कौन है, कहते ये कृष्ण का कोई अंशा बता रहे और कोई उनकी अंश के अंश कला है, कोई उनकी अंश कोई अंश के अंश कला, लेकिन ये जो कृष्ण है ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कत इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यंती जुगे जुगे, ये कब कब आते हैं, जब इंद्र आदियों को कहते ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कृष्ण स्वयं कहते हैं जब जब ये पृथ्वी के ऊपर में गो ब्राह्मण स्त्री वेद के ऊपर में अत्याचार होता है तब तक मैं जगत में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रख्या दुष्टों को विनाश करता हूँ, इसलिए इंद्रारी व्याकुल लोकम, जब इंद्रादि देवता लोग को विपत्ति पड़ता है जब भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान क्या करते हैं, संभवामी जुगे जुगे मृढ़यंती जुगे जुगे। ठीक है, और जो कृष्ण भगवान इसका क्या प्रमाण है उसमें कद विशेष करके उसमें कहते हैं कद जगत में जितने जीव है, इस चीज़ को लिखो अच्छे, जगत में जितने जीव है इनके अंदर में 50-50 गुण हम सबको अंदर में, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा से हमारे अंदर में 50-50 गुण हैं, हैं? लेकिन विशेष करके जो देवता हैं जो देवता लोक है यही 50 गुण उनका अंदर में तो है, लेकिन हमारी जीव से थोड़ी ज़्यादा रूप में हमारे अंदर में जो गुण 50-50 हैं उनका अंदर में थोड़ी ज़्यादा परिमाण से देवता को अंदर में, और विशेष करके जो ब्रह्मा और शंकर ये जो दो व्यक्ति है ब्रह्मा और शंकर कद इनके अंदर में और 5 गुण हैं। तुम लोग कोशिश करना जैव धर्म से ना वहाँ लिख ले रहा 5 गुण क्या है, अगर याद कर सकते तो बहुत जिंदगी भर के लिए लगेगा। विशेष गुण 5 ब्रह्मा शंकर, और ये जीव में भी नहीं तो स्वर्ग में जो देवता को अंदर में भी नहीं है, केवल ये ब्रह्मा शंकर को अंदर में विशेष करके 5 विशेष गुण। फिर भगवान के जितने अवतार हैं मत्स्य कुर्मा बराह भगवान के जितने अवतार कहते उनका अंदर में और ज़्यादा 5 गुण हैं, 50 और हो गया 55 और 5 गुण किसके अंदर में कहते ये जो भगवान के जितने अवतार के अंदर में और विशेष करके और 5 गुण है जो कि शंकर में भी नहीं ब्रह्मा में भी नहीं किसी जीव में भी नहीं, लेकिन ये किसको अंदर में है ये केवल श्री ब्रह्मा ये भगवान के जितने अवतार के अंदर में। लेकिन कृष्ण क्यों पूर्ण ब्रह्म, कारण क्या है, बोले विशेष करके उनके अंदर में और 4 गुण हैं किसी अवतार में भी नहीं किसी देवता में भी नहीं किसी जीव में भी नहीं, उनके अंदर में 4 गुण, बताओ क्या क्या है, कौन बोलेगा? हाँ बोलो, हाँ बाबा के लिए याद किया, क्या क्या माधुरी जी बोलो, हाँ बोलो तुम बोलो कौन सा माधुरी जी चाह रहे बोलो, हाँ और हाँ बोलो, ए बड़ा पंडित राहुल क्या क्या बोलो, तुम चुपचाप क्या बैठे हो, क्या लिख रहे हो, बोलो चार क्या विशेष चार गुण, और तुम लोग बोलो लीला माधुरी और एक है कहते ये प्रेम माधुरी जी है प्रेम, इसको याद रख लेना जो केवल कृष्ण के अंदर में है, केवल ये कृष्ण के अंदर में और किसके अंदर में, इसलिए
कहते ये केवल ये कृष्ण के अंदर में ही ये चार विषय को एक बार इसको याद करेगा ना ये सारे जीवन भर ही याद रहेगा ये सारे जीवन भर। इसलिए लीला माधुरी ये चार माधुरी है सुन लो। इसलिए कहते ये कृष्ण के अंदर में ये केवल ये कृष्ण के अंदर में ये चार विशेष गुण और किसको अंदर में ये नहीं है। इसलिए किसको अंदर में लीला माधुरी जी में उदाहरण देते हैं। लीला माधुरी जी में उनकी रास लीला कृष्ण के बगैर और कोई रास किया है किसने और ये रास लीला नहीं किया है, हैं? इसलिए कहते हैं इनके लीला और कृष्ण के बगैर कोई भी इतना कृष्ण जैसे प्रेम में बसीभूत हुए ना इतना कोई बसीभूत कोई भगवान अपना दोस्त का झूठा खाया है केवल कृष्ण खाए। अभी तो किसी भगवान को कोई बांधे हैं कोई भगवान का कान बोले हैं नहीं। मैया ने कृष्ण को बांध भी दिया कान भी मोल दिए हैं डंडे से उनको डराती हैं। और भगवान अभी तक राम नहीं तो नारायण कभी लक्ष्मी के चरण में गिरे हैं नहीं केवल कृष्ण ही गोपियों के चरण में हैं गोपियों के चरण में कृष्ण ही गिरते हैं। इसलिए कहते हैं और विशेष करके प्रभु का जो रासलीला है इसलिए एक श्लोक है लिख लो संति यद्यपि में लीला ये श्लोक है इसको बाद में तुमको लिखवा दूंगा। संति यद्यपि में लीला प्राज्ञा मनोहरा ये केवल हिंट देकर रख लो लीला प्राज्ञा मनोहरा संति यद्यपि में लीला प्राज्ञा नाही जानी जाने स्मृते रासे मन में किदृश भवेत नाही जानी स्मृते रासे किदृश मन में भवेत। इसमें श्लोक के बाद में इसको अच्छे तरह से देखकर लिख लेना ठीक है। किदृश भवेत मतलब कृष्ण खुद कहते हैं यद्यपि मेरे बहुत सारे लीला हैं लेकिन जब मैं रासलीला के बारे में सोचता हूँ पता नहीं मेरे मन में भी उथल पुथल मच जाती है क्यों रासलीला में क्या विशेष वस्तु है। रास मतलब रस है इसलिए कहते ये प्रभु का लीला माधुर्य तुम थोड़ी थोड़ी हिम्मत देकर लिखते रहो ठीक है। इसलिए नहीं फिर कहते भगवान की लीला माधुर्य हो गया भगवान की रूप माधुर्य है रूप माधुर्य में बहुत सारी भगवान की बहुत सारे रूप है बराह पीडम ये एक श्लोक है भागवत में फिर नौ मिड्यत अभ्र बाबू से थोड़ी उसका हिंट देकर लिखो बाद में उसको ढूंढ ढूंढ कर निकालना दो दो। और तीसरा जो श्लोक है श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल बरहा कहते भागवत में तीन जगह में कृष्ण की रूप माधुर्य आता है। हम लोग है ना माताएं हो गोपियां तुम लोग जाओ अभी तुम लोगों का हो गया अभी इन लोगों का है हम लोग जाओ आप लोगों को धन्यवाद इतना समय दिया है ठीक आप लोग जाओ आप लोग सर। इसलिए इसलिए क्या 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 बोला मैंने भगवान का भागवत में तीन जगह रूप माधुर्य का वर्णन आता है। हाँ कहते एक तो ब्रज गोपियों ने बताया और एक ने कहते मथुरापुरी की जो चौबेनी है मथुरापुरी की जो चौबेनी थी उन लोगों ने एक बताया कौन सा श्यामम हिरण्य परिधि बनने वाले और तीसरा जो ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति का जो पहला श्लोक है कहते ये है नव मिड्यते अभ्र बपू से तड़ितम बराय ये उन्होंने ये श्लोक तीनों श्लोक है जिनकी भगवान के रूप माधुर्य पर बताए हैं। इसलिए और उसमें उदाहरण देना हाँ उसमें लिख लो सब सब सुनूंगा तुम लोगों का और उसमें उन्होंने उदाहरण दिए हैं कृष्ण इतने सुंदर है जहाँ पर लक्ष्मी जब कृष्ण की सुंदरता का सुनती हैं लक्ष्मी माँ लक्ष्मी वो भी बेलवन में बैठी करके तपस्या कर रही हैं बेलवन में वो भी तपस्या करती हैं। एक हो गया दूसरा हो गया दूसरा हो गया लिखो दूसरा स्वयं नारायण बाद में तुमको उस श्लोक तुमको बता दूंगा नारायण स्वयं कृष्ण का रूप दर्शन करने के लिए उन्होंने चोरी किया है हैं कहते ये ब्राह्मण का बच्चों को उन्होंने चोरी किया है ब्रह्मा जी ने कहते नारायण नारायण ने ब्राह्मण का बच्चों को चोरी किया लिख लो ब्राह्मण के बच्चों को तुम बहुत बार मैंने कथा सुनाई है चोरी किया है। और जो तीसरा लिखो कहते हैं लिखो ये शब्द लिख लो कृष्ण रे माधुर्य देखी
वासुदेव रे खूब कृष्ण रे माधुर्य देखी वासुदेव रे खूब। इसका मतलब है कृष्ण इतने सुंदर हैं, जब एक ही कृष्ण है, जब वृंदावन में कृष्ण रहते हैं वासुदेव रे खूब 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 होता है हृदय में हैं। कभी ये कृष्ण जैसे मथुरे से कृष्ण है, हैं जब मथुरे से कृष्ण जब वृंदावन कृष्ण का माधुर्य को सुनते कृष्ण कितने सुंदर, कहते इनकी मन में भी खोब होता है मैं कब ये वृंदावन के जो कृष्ण का माधुर्य को मैं कैसे आस्वादन करूँ, मैं वृंदावन कृष्ण के माधुर्य को मैं कैसे आस्वादन करूँ। कहते मथुरा मथुरे मथुराधीश जो कृष्ण इनकी मन में भी खोब होता है हम कैसे। कहते कृष्ण इतने सुंदर, तीसरा जगह पर लिखो कृष्ण इतने सुंदर है जब अपना परछाई को किसी मणि स्तंभ में देखते हैं कृष्ण। उस श्लोक है अपर कलित पूर्वम, उस श्लोक लिखो अपर कलित पूर्वम कश्च मात कारकारी, अपर कलित पूर्वम कश्च मात कारकारी। ये श्लोक बाद में इसको फिर तुम लोग बाद में ना इसको पूरा के पूरा श्लोक लिख करके सब याद कर लो। अपर कलित पूर्वम कश्चमात कारकारी, मेरे याद किया था अभी मैं भूल गया, कश्चमात कारकारी मैं बाद में तुमको निकाल करके सब याद करा दूंगा। ये रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में उदाहरण दिया है। ठीक है हो गया हाँ, मतलब कृष्ण इसलिए कृष्ण इतने सुंदर हैं। ठीक है कृष्ण का हो गया रूप माधुर्य, तीसरा है वेणु माधुर्य। वेणु माधुर्य में एक जो श्लोकों को सब याद कर लेना, कहते वेणु माधुर्य में एक श्लोक वेणु माधुर्य में तो जो वेणु गीत भागवत में जो वेणु गीत बाद में याद कराएंगे वेणु गीत को, इसलिए वेणु गीत को याद कराएंगे। इसलिए वेणु गीत में एक श्लोक है लिख लो, वो भी श्लोक को मैंने सब पहले याद किया था धीरे धीरे भूलते जा रहा हूँ। इसलिए एक श्लोक है रुंधन भूभृत, ये केवल पहला लाइन लिख दो, ये श्लोक याद कर देना रुंधन भूभृत चमत्कृति परम, बहुत अच्छा श्लोक है रूप गोस्वामी ने कोटेड करके दिया है रुंधन भूभृत। इसलिए हाँ इसलिए उसको सब ये सब याद करना है सब श्लोकों को। फिर हो गया वेणु माधुर्य, उसको माधुर्य उसके बाद में भगवान की रूप माधुर्य वेणु प्रेम माधुर्य, प्रेम माधुर्य लिखो। कहते प्रेम माधुर्य में उन्होंने दो उदाहरण दिया है, एक उदाहरण प्रेम माधुर्य में दिया है कृष्ण जब रास कर रहे थे ब्रह्मा का, एक दिन तक उन्होंने रास किया, उनका रास था ब्रह्मा का एक दिन, लेकिन इतने आनंद कहते ना आनंद में समय पता नहीं चलता है कैसे बीत जाती है, रास में रस आनंद है, इसलिए होने का नाते ब्रह्मा का एक दिन तक तो रास किया है लेकिन गोपियों को कैसे लगा जैसे अभी आए और अभी खत्म हो गया, इतनी जल्दी पता ना आनंद में पता नहीं चलता समय है, इसलिए जैसे अभी आए और अभी जैसे खत्म हो गया। ये एक दूसरा उदाहरण दिया, ठीक है लिख दिया दूसरा उदाहरण दिया कृष्ण जब गोचारण करते हैं, गोचारण करते समय कृष्ण जब शाम को वापस आते हैं कृष्ण बड़े प्यारी प्यारी मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं। अभी ये बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रज की गोपियाँ सब घर का काम काज छोड़ करके बाहर निकल आती हैं और अपना घूंघट को उतार करके कृष्ण को दर्शन करती हैं। जब दर्शन करते समय उनकी आँखों की जो पलक झपती हैं, आँखों की जब पलक झपती हैं, देखो पलक इतनी तेजी से झपती पता चलती है जैसे कोई चीज को हम देख रहे हैं, अगर जब पलक झपती तो है लेकिन पता नहीं चलता इतनी जल्दी पलक झपती है, पता नहीं चलता है पता नहीं चल इतना पलक, लेकिन इतना समय भी उनको लगता है जैसे करोड़ युग जैसे बीत गया। इसका श्लोक है लिख दो, श्लोक है गोपी गीत का कौन सा, हाँ त्रुटि युगायते त्वांग मप सत्याम कुटिलकुन तलम श्री मुखम चते जड़ उद्दीक्षताम पक्षम के दृश्य। ठीक है ये श्लोक है, ठीक है हाँ
इसलिए कहते इसमें क्या हो गया कृष्ण का, हाँ कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण के अंदर में विशेष करके चार माधुर्य है और किसके अंदर में, किसी अवतार में ये नहीं, इसलिए कृष्ण कौन है, ये पूर्ण ब्रह्म है। ठीक है, ठीक, आज इतना इतना रहे, इतना इतना को अच्छे तरह से कल एकदम प्रिपेयर सर करके आना, और बाद में जो श्लोक है मेरे पास में बैठ करके उस श्लोक को लिखवा लेना। ठीक है, द्वारका में कहीं वैकुंठ में, द्वारका में कृष्ण बच्चों को छोड़ के बैठ ले। तीसरा आपने बताया कि स्तंभ अपने मुखारविंद को देख के बाबा चल गया कि कितना सुंदर बालक है, चौथा पक्ष है ये, ये हो गया, ये हुआ चौथा, तीसरा तुमने लिखा है। हां वो कैसे हाँ लिखो बीच में उसको पहले, तीसरा नंबर, कृष्ण रे माधुर्य देखी, कृष्ण रे माधुर्य देखी वासुदेव रे खो, मतलब जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का जब रूप कृष्ण सुनते हैं देखते हैं, मथुरे से जो कृष्ण, मथुरा की जो कृष्ण, इनकी मन में भी खो हो जाता है, हैं खो हो जाता है, मैं कब ये रूप का आस्वादन करूं, कृष्ण इतना सुंदर, ये चरिता मिलता है। ठीक 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 है, हाँ ठीक, इसको कोशिश करना इतना इतना चीज को पढ़ करके आए, और इसको घर में जाकर तू इतना करो तो पूरी भागवत को खत्म कर दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ भागवत का, हमारे जो गौड़ीय सिद्धांत वैष्णव जो कृष्ण क्यों भगवान है, कम से कम ये चीज़ को तुम्हारा समझ, अगर एक बार ये चीज़ को समझ गए, एक बार याद कर दिया तो भाव सारा जीवन तुम्हारी, सारा जीवन ये काम आए, सारा जीवन भर में ये काम आए। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगा कहूँगा मैं शाम को बोल सकते इसी विषय पर, शाम को मैं फिर खड़े करूँगा, नहीं तो दिन भर केवल भागवत भागवत हो, फिर जाकर के तुम लोग फिर सवेरे और नया टपी को पढ़ेंगे, जिसको पढ़ोगे फिर दूसरे दिन इसको उसी दिन बोलोगे तो फिर कोशिश करोगे उसको ये करने की। आप ऐसा ही कर लो कि है ना, सुबह जो आप लिखवाए थे ना वो शाम को जैसे खड़े होकर के जिसको भी आप बुलवाओ वो बुलवा दो, ताकि सुबह का टाइम जो है ज्यादा लगेगा नहीं, फिर आप नया शुरू करवा दो, नया जल्दी खत्म हो जाए, फिर जल्दी खत्म, नहीं तो पता नहीं हमारे कोई प्रोग्राम अगर कोरोना घट गया फिर हम प्रोग्राम में चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ रहते रहते पूरी भागवत तुम लोगों को पूरा सिखा करके फिर बुलवाओ पूरा को पूरा, और जो श्लोक कैसे सुंदर रूप में उच्चारण करते हुए हैं श्लोक, जो अच्छे तरह से श्लोक कैसे उच्चारण, हम चाहते पूरा परफेक्ट एकदम बना दोगे पूरा पूरा सारे विषय को अच्छे तरह से पूरा, कहीं जाओ तो पूरी भागवत जैसे तुम लोग बोल सकते हो, हैं